लाल सुरा की धार लपट सी, कहना इसे देना ज्वाला। फेनल मदिरा है मत इसको कह देना और काछाला। दर्द नशा है इस मदिरा का, विगत स्मृतियां साकी हैं। पीड़ा में आनंद जिसे हो, आए मेरी मधुशाला। कहते हैं मुझे हादसों ने सजा सजा के बहुत हसीन बना दिया। हादसे, दर्द, पीड़ा, परेशानी, तकलीफ, दुख खुराक है दिमाग की। खुराक जितनी ज़्यादा, दिमाग उतना ज़्यादा मजबूत, मनोबल उतना ज़्यादा ऊंचा, संकल्प में उतनी ज़्यादा दृढ़ता, मंजिल पाने की उतनी ज़्यादा संभावना। मुसाफिर, हर परेशानी को एक अवसर की तरह देख, हर हार से जीत का सबक ले, हर कमजोरी को अपनी ताकत में बदल डाल, मनोबल को इतनी ऊंचाई दे कि हर हालात में सकारात्मकता नजर आए, दर्द में नशा मिले और पीड़ा में आनंद। दर्द नशा है इस मदिरा का, विगत स्मृतियां साकी हैं। पीड़ा में आनंद जिसे हो, आए मेरी मधुशाला। 8 वर्ष का बालक ग्लेन एक स्कूली दुर्घटना से लगी आग में अपने निचले शरीर को जला बैठा था। टांगे पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। डॉक्टर्स का मानना था कि बच नहीं पाएगा, और अगर बच गया तो व्हीलचेयर से उठ नहीं पाएगा। गहरी पीड़ा और अंधकारमय भविष्य ने बालक ग्लेन के अंदर इतनी ताकत भर दी कि उसने एक दिन व्हीलचेयर से अपने आप को गिर जाने दिया और फिर पूरी ताकत लगा के अपने दम पर उठने की कोशिश की। गहरी पीड़ा झेलते हुए ये सिलसिला उसने रोज का सिलसिला बना लिया। रोज गिरता, रोज उठता, रोज गिरता, रोज उठता, तब तक जब तक कि एक दिन 2 साल बाद वो पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो गया। और फिर सिलसिला शुरू हुआ चलने का, दौड़ने का, बहुत तेज दौड़ने का, बहुत बहुत तेज दौड़ने का। और एक दिन 1934 में इसी बच्चे ने 1 मील को सबसे कम समय में खत्म करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। 1938 में फिर उसने एक बार विश्व रिकॉर्ड बनाया। आज यही बच्चा ग्लेन कनिंगम अमेरिका के महानतम एथलीट्स में से एक एथलीट माना जाता है। दर्द नशा है इस मदिरा का, विगत स्मृतियां साकी हैं। पीड़ा में आनंद जिसे हो, आए मेरी मधुशाला। निक वुइचिच ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए थे। जन्म हुआ तो शरीर तो था उनके पास, पर शरीर में बाहें नहीं थी, पैर नहीं थे। बचपन गहरी पीड़ा में संघर्ष के साथ बीता, पर धीरे धीरे निक ने अपने आप को समझा लिया। और एक दिन निक ने ताकत जुटा ली इस बात के लिए कि वो दुनिया को बताएं कि ऐसे शरीर के साथ पिताई जिंदगी कैसी जिंदगी होती है। उनका मानना था कि कम से कम एक व्यक्ति तो दुनिया में ऐसा होगा जो जानना चाहेगा कि कैसा जीवन है उनका। और इस अनुभव को उन्होंने अपनी एक किताब लाइफ विदाउट लिमिट्स में उतारा। उसके बाद कई और किताबें लिखी। आज निक एक पिता हैं, एक पति हैं और एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो न जाने कितने लोगों की जिंदगी में प्रेरणा का संचार कर चुका है। दर्द नशा है इस मदिरा का, विगत स्मृतियां साकी हैं। पीड़ा में आनंद जिसे हो, आए मेरी मधुशाला। पॉल स्मिथ को सेरेब्रल पाल्सी थी। व्हीलचेयर पर रहते थे, उठ नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे, बोल नहीं पाते थे, लिख नहीं पाते थे, पर इच्छा शक्ति मजबूत थी, मनोबल बहुत ऊंचा था। उन्होंने अपनी सारी पीड़ा को, अपनी सारी ताकत को अपने दाएं हाथ की उंगली में झोंक दिया। उंगली भागती थी, थिरकती थी टाइपराइटर की कीज पर, और बाएं हाथ का सहारा लेकर खूबसूरत पेंटिंग्स का निर्माण करती थी। इस टाइपराइटर आर्टिस्ट ने अपनी पीड़ा को अपनी ताकत बनाकर सैकड़ों खूबसूरत पेंटिंग्स का निर्माण किया। दर्द नशा है इस मदिरा का, विगत स्मृतियां साकी हैं। पीड़ा में आनंद जिसे हो, आए मेरी मधुशाला। हरिवंश राय बच्चन ने ये पंक्तियां लिखी थी, और सिर्फ लिखी ही नहीं थी, इनको अपने जीवन में उतारा भी था। एक बार उन्हें नेहरू जी के जन्मदिन तक
नेहरू जी की जीवनी का हिंदी अनुवाद खत्म करना था। समय बहुत कम था, दिन रात लिखते रहते थे और दाहिने हाथ में दर्द होने लगता था। एक दिन जब अमिताभ बच्चन उनके कमरे में पहुंचे तो देखा कि बाबूजी दाएं हाथ से तो लिख रहे हैं लेकिन बाएं हाथ को उन्होंने गर्म पानी में डाल रखा है। सवाल पूछा कि अगर दर्द दाएं में है तो इलाज बाएं का क्यों? जवाब मिला, मनोबल बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने इच्छा शक्ति से दाएं हाथ की पीड़ा को बाएं हाथ में ट्रांसफ़र कर दिया है जिससे कि लेखन बिना रुकावट चलता रहे। दर्द नशा है इस मदिरा का, विगत स्मृतियां साकी हैं, पीड़ा में आनंद जिसे हो आए मेरी मधुशाला। पीड़ा में आनंद जिसे हो आए मेरी मधुशाला, आए मेरी मधुशाला।